एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम एक बहुत यमी मिल्क बनाने जा रहे हैं जो एक रेमेडी की तरह काम करता है। अगर आपको जुकाम है, थोड़ा सा गले में दर्द है, अगर आप ये रात को लेके सो जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, प्लस साथ में आपका जुकाम भी ठीक होगा। तो सबसे पहले ना हमने ये एक घंटे पहले ये खसखस को ना हाफ टी स्पून खसखस है इसको पहले बल्कि अच्छे से छलनी में डाल के धो लिया था और फिर सोक कर दिया था। तो अब इसका यही तरीका है कि अब हम इसको ऐसे इसमें निकाल लेंगे सोक की हुई खसखस को और हम बेलने से ना इसको पीस लेंगे। ये लिया है हमने 1 टेबलस्पून बेसन, ये आप देख सकते हैं। 2 कप हमने लिया है दूध। 2 पिंच हमने क्रश की हुई ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने ये शक्कर ली है, जो जैगरी पाउडर आता है ना वो लिया है, और 1 चम्मच हमने ये गाय का देसी घी लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 बादाम को भी ना हमने ऐसे इसमें कूट लिया है ताकि वो पीने में ना वैसे ज़्यादा मोटा मोटा ना लगे, पीने में इजीली पिया जा सके। तो ये हमने ना इसमें खसखस को डाल लिया है और अब हम इसको ना इस तरह से बेलने की मदद से पीस लेंगे। इसका ना पेस्ट बन जाता है और आसानी से पिस जाती है, क्योंकि वो होता है ना भीगा हुआ होता है तो आसानी से पिस जाता है। इस तरह से। और अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे अलग से, इस तरह से हम इसका पेस्ट टाइप बना लेंगे और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। और पिसने के बाद ना ये कुछ इस तरह का हो जाता है। देखिए अब हम इसको अच्छे से सारा निकाल लेंगे। थोड़ा सा है इसलिए थोड़ा सा पीसने में हमें लगता है, लेकिन आप स्पैचुला की मदद से निकाल सकते हैं। घी गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें ये 1 टेबलस्पून छना हुआ बेसन डाल देंगे और इसको ना धीमी आंच पे ही हम सेकेंगे और अच्छा सिक जाना चाहिए ये, है ना, अच्छी खुशबू आने लगे, सिकने लगे इस तरह से, क्योंकि हम 2 ही कप बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम बहुत कम क्वांटिटी में आपको ये बता रहे हैं। और यकीन मानिए ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन है, बहुत अच्छी है। बस आपको इसको खा कर ना या पीने के बाद सोते समय पानी वानी कुछ नहीं लेना है, उसके बाद बस सीधा इसको पी के ना सो जाइए। इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। देखिए धीरे धीरे इस तरह से भुनने लगेगा, जैसे पहले स्पैचुला पे चिपक रहा था, अब नहीं चिपक रहा है। फिर भी आप पहले एक बार कुछ भी बेसन कांच कच्चा ना रह जाए इस तरह से जरूर साफ कर लें। और ये देखिए तो धीरे धीरे घी पिघलने लगता है और इस तरह से ये बेसन भुनने लगता है। हमें इसको अच्छा सा भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, मौसम बदल रहा है, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये देसी नुस्खे हैं, ज़रूर अपनाइए, और बच्चे बड़े सब ले सकते हैं इसको। तो जो लोग फॉरेन में है ना उनको भी, जैसे कभी कभी होता है कि मेडिसिन नहीं मिली, तो ये बेस्ट तरीका है। ये चीज़ें सब आपके पास हैं, आप लीजिए पीजिए और सो जाइए। देखिए भुनना शुरू हो गया। इस समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि जलना नहीं चाहिए बेसन। और ये देखिए इस समय ही परफेक्ट कलर आ गया है, बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप दूध, जिसको लगातार चलाएंगे ऐसे ताकि ये जो गांठे हैं ना ये ना पड़े। इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए लगातार चलाने से जो गांठे हैं ना वो नहीं पड़ती हैं, और अगर आपको लगता है ना तो फिर आप जो विस्कर आता है ना उससे भी आप हल्के हाथ से मिक्स कर सकते हैं। अब ये दूध उबल रहा है, अब हम डालेंगे इसमें ये खसखस, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में डालेंगे ये काली मिर्च पाउडर 2 पिंच। इंग्रेडिएंट में ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। लगातार चलाते रहिए। ये 1/2 चम्मच शक्कर, ये भी आप कम ज्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं। काली मिर्च, शक्कर,
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है। और अब हमारा क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गया है तो दूसरा कप दूध भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हम डालेंगे इसमें ये बादाम कुटा हुआ। और ये ऐसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप बस इसको ट्राई कीजिएगा, आप खाकर बनाकर देखिएगा कि आपको सच में इससे असर पड़ा क्या कुछ। और बस एक दो उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए हमारा ये गुणकारी दूध बनकर तैयार है, बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छी खुशबू है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ से चम्मच से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का है, ये बीच में बादाम है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारा ये यमी सा मिल्क बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।